दोस्तों आईपीएल 2023 अब खत्म होने के कगार पर है। आईपीएल के लीग मुकाबले खत्म हो चुके हैं, वहीं क्वालिफायर वन और एलिमिनेटर मुकाबला भी खेला जा चुका है। क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को हराया और फाइनल में जगह बनाई है। गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले में हार मिली, मगर गुजरात टाइटंस के पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका है, क्योंकि टॉप टू में रहने वाली टीमों को एक अतिरिक्त मौका मिलता है और वो क्वालिफायर टू भी खेलती है। ऐसे में गुजरात टाइटंस के पास क्वालिफायर टू में जीतकर फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका है। वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हरा दिया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम का आईपीएल में सफर खत्म हो गया और मुंबई इंडियंस की टीम ने क्वालिफायर टू में अपनी जगह बना ली। आपको बता दें कि एक तरफ जहां गुजरात टाइटंस होगी तो वहीं सामने मुंबई इंडियंस की टीम की चुनौती होगी। गुजरात टाइटंस की टीम ने अभी तक आईपीएल के इस सीजन में दमदार प्रदर्शन किया है, तो वहीं मुंबई इंडियंस की टीम ने भी आखिरी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां तक सफर तय किया है। ऐसे में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच अब हमें क्वालिफायर टू में कड़ी टक्कर होती हुई नजर आने वाली है। आपको बता दें कि अब इन दोनों के बीच क्वालिफायर टू मुकाबला शुक्रवार 26 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है और इस मुकाबले पर बारिश का काला साया मंडरा रहा है। खबरों के मुताबिक इस मुकाबले में बारिश हो सकती है और मुकाबले का मजा किरकिरा हो सकता है। हालांकि क्वालिफायर टू मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर अतिरिक्त दिन नहीं रखा गया है तो फिर इस मुकाबले का विजेता का फैसला कैसे होगा। आपको बता दें कि ये क्वालिफायर टू मुकाबला है, ऐसे में इस बारिश के कारण इस मुकाबले को रद्द नहीं किया जाएगा, यानी कि दोनों टीमों को एक एक अंक नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर इस मुकाबले को रद्द कर दिया जाता है तो फिर फाइनल में कौन सी टीम जाएगी, इसे लेकर माथापच्ची हो सकती है। ऐसे में अब एक नया नियम इस मुकाबले पर लागू हो सकता है। अगर बारिश होती है तो इस मुकाबले में उस नियम के तहत विजेता की घोषणा की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि इस मुकाबले में बारिश के कारण अगर मुकाबला बाधित होता है तो फिर विजेता का फैसला लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम से होगा। ऐसे में गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल 2023 के लीग स्टेज में दमदार प्रदर्शन किया है और सबसे ज्यादा मुकाबले जीते हैं। साथ ही नेट रन रेट के आधार पर भी गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस से आगे है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर बारिश के कारण मुकाबला बाधित हुआ और मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया तो ऐसी सूरत में गुजरात टाइटंस की टीम सीधा फाइनल में प्रवेश कर जाएगी।